अच्छा तो भाइयों, स्क्रीन आ गई, इसका भी बटन दबा दो यार, स्क्रीन आ जाएगी। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने फंक्शंस को काफ़ी एक्सप्लोर किया था, आज हम ना ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं ज़रा। अच्छा, ऑब्जेक्ट आपके सामने मैं ज़रा एक बना देता हूँ कि ऑब्जेक्ट होता कैसा है। ऑब्जेक्ट पर्सन इक्वल्स टू जी दोस्त, बस हो गया, ऑन हो गया। अच्छा, इससे पहले आप लोग एरे क्योंकि पढ़ चुके हैं, तो ज़रा एरे के साथ ना इसको मैं रिलेट करवा रहा हूँ। देखो, एरे के अंदर जो डेटा होता है वो कैसे होता है, सीक्वेंस में होता है। ठीक है, मैंने सबसे पहले लिखा अली, उसके बाद लिखा 30, उसके बाद लिखा फॉल्स मिसाल के तौर पे। अब इसमें मुझे सीक्वेंस पे मैं डिपेंडेंट हूँ। ठीक है, इस पे क्या पे डिपेंडेंट हूँ, सीक्वेंस पे डिपेंडेंट हूँ। गम नहीं आया, कर देता हूँ दोबारा शुरू। आ गया अच्छा, तो ये मेरा एरे है। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये एक डेटा टाइप है, जैसे एरे था उसी तरह ये भी है, और ये नेटिव डेटा टाइप नहीं है, ये कंस्ट्रक्ट है। हम पहले ये देख चुके थे, जो नेटिव डेटा टाइप होती है उसके कॉपी होने में थोड़ा फ़र्क होता है, और जो कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, जैसे एरे भी एक कंस्ट्रक्ट है, तो एरे को हम कॉपी करने के लिए, क्लोनिंग करने के लिए थोड़े तरीके एक दो हमने डिस्कस किए थे। अगर वो किसी को याद नहीं है तो वो एरे वाली क्लास में जाके देख लीजिएगा। तो जैसे एरे एक कंस्ट्रक्ट है, सही है, इसी तरह से ऑब्जेक्ट भी एक कंस्ट्रक्ट है। इसको जब आप एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में डालते हैं तो आपको क्लोनिंग करनी पड़ती है, अदरवाइज वो क्या होता है, उसकी कॉपी बनती नहीं है, वो एक ही डेटा घूमता रहता है। इस पर हमने डिटेल डिस्कशन की थी एरे के टाइम पर। अच्छा, तो हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट भी एक डेटा टाइप है। अच्छा, इस डेटा टाइप में क्या होता है, एरे की तरह सीक्वेंस पे हम फॉलो नहीं कर रहे होते, हम इसमें की और वैल्यू के पेयर पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, की है और वैल्यू है। अच्छा, फिर उसके बाद एक और की है, एक और वैल्यू है, फिर एक और की है और एक और वैल्यू है। अच्छा, एरे को हम एक्सेस किस तरह करते हैं, अच्छा किसी भी डेटा टाइप में हमें क्या देखना होता है कि इसको रीड कैसे करना है, राइट कैसे करना है और मॉडिफाई कैसे करना है, यही तीन चीज़ें देखनी होती हैं। तो हम रीड इसको कैसे करते थे, पर्संस का इंडेक्स 0, तो इससे ये पहला इंडेक्स एक्सेस हो गया, इस तरह एक्सेस करते थे हम एरे को। अच्छा, तो हम ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस करेंगे, कंसोल डॉट लॉग पर्सन डॉट नेम। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, इस पहले वाली वैल्यू को एक्सेस करेंगे। ठीक है, मैं पर्सन डॉट नेम को जब कंसोल करवाऊंगा तो जॉन कंसोल हो जाएगा। अच्छा, पर्सन डॉट नेम क्या चीज़ है, पर्सन मेरे वेरिएबल का नाम है और जो नेम है वो की है, तो पर्सन मेरे वेरिएबल का नाम और उसके बाद की। अच्छा, तो इसी तरीके से अगर मैं पर्सन डॉट एज लिखूँगा तो मुझे क्या मिल जाना चाहिए, मुझे 30 प्रिंट हो जाना चाहिए, और इसी तरह अगर मैं पर्सन डॉट इज मैरिड लिख दूँ तो मुझे फॉल्स प्रिंट हो जाना चाहिए। तो ये मैंने क्या कर लिया, इसको एक्सेस कैसे करते हैं, यानी रीड कैसे करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के डेटा को, वो हमने यहाँ पे देख लिया। अच्छा, इस कोड को हम ज़रा चला के भी देख लेते हैं कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ ऐसा ही है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ, अच्छा एक मिनट में आपका सवाल लेता हूँ। देखें, ये तो सबसे पहले अली कंसोल हो गया, कौन सा वाला, जो मैंने ये लाइन नंबर 19 में कंसोल करवाया था। उसके बाद लाइन नंबर 26 वाला कंसोल, ये लाइन नंबर 26 वाला कंसोल आ गया, जॉन 30 फॉल्स, यही आना चाहिए था। तो इसका मतलब है जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, क्रॉस चेक हो गया, वेरीफाई हो गया। अच्छा जी, आपका सवाल प्लीज़ बताइएगा।
कीवर्ड मिल गया, वो हमारी मर्जी पे है, जैसा वेरिएबल दो दो साइड पे और उसी को हम डिक्लेयर भी कर रहे हैं साथ ही साथ वैल्यू भी दे रहे हैं। हां अच्छा, इनका सवाल ये है कि ये पर्सन के नाम से जो मेरे पास वेरिएबल है इसके अंदर जो मैं की लिख रहा हूँ, ये की क्या मेरे मर्जी की होती है या इसके अंदर कोई लिमिटेशन है? जो नाम आप वेरिएबल का रख सकते हैं वही नाम आप इसका भी रख सकते हैं, ठीक है? एक तो ये इसमें रिस्ट्रिक्शन है। मिसाल के तौर पे इसको मैं वन से शुरू करूँगा ना अगर, तो ये एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का नाम नंबर से शुरू नहीं हो सकता जावास्क्रिप्ट में। हाँ, बीच में कहीं नंबर आ सकता है या आखिर में नंबर आ सकता है, ये कोई मसला नहीं है, ठीक है? इसी तरीके से स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ अंडरस्कोर और डॉलर आ सकता है, इसके अलावा कोई और स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकता, वो वेरिएबल वाला सारा रूल है, ठीक है? अगर मैं कोई ऐसे लगाता हूँ इसके अंदर, जैसे मिसाल के तौर पे माइनस लगा देता हूँ, तो ये मुझे एरर दे देगा क्योंकि माइनस अलाउ नहीं है, अंडरस्कोर अलाउ है सिर्फ। तो ये तो हमने देख लिया की जो हम लगाते हैं वो वेरिएबल वाला सारा उसका यानी कि रूल है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा कि ये खुद से डिक्लेयर हो रहा है और साथ साथ इसको हम वैल्यू भी दे रहे हैं, तो जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसको हम डिक्लेरेशन नहीं बोलेंगे, ये असल में इस कंस्ट्रक्ट का ये पार्ट है। इसको इसी तरह बनाया गया है कि जब इसके अंदर आप डेटा, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो वेरिएबल जो ये पर्सन है मेरा, पर्सनस जो है, अब इस एरे के पहले इंडेक्स के अंदर जब हम कोई डेटा डालते हैं तो हमने ये देखा था मेमोरी में ये भी जगह ले लेता है, तो ये भी असल में ये तीन वेरिएबल्स हैं, ये अली, ये 30 और ये फॉल्स, ये तीन वेरिएबल हैं, जाहिर है तीनों मेमोरी में जगह लेते हैं, हमने ये देख लिया था। तो जिस तरह से ये यहाँ पे लिखने से मेमोरी में जगह ले लेते हैं, उसी तरह ये लिखने से भी मेमोरी में ये जगह ले लेते हैं। कौन मुझे बताएगा कि ये पूरा ऑब्जेक्ट मेमोरी में कितनी जगह ले रहा है इस वक्त राइट नाउ? ये हम डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, ये कितनी जगह ले रहा है? इसमें चार कैरेक्टर हैं, एक कैरेक्टर कितना लेता है? दो बाइट लेता है या 16 बिट भी बोल सकते हैं आप, ठीक है? तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 टोटल 8 बाइट ले रहा है या 64 बिट बोल सकते हैं आप उसको। अच्छा, नंबर कितना लेता है? नंबर भी 64 बिट लेता है, तो 64 बिट ये 128 बिट हो गया। अच्छा, उसके बाद ये कितना लेता है? वन क्या, बिट या बाइट? हमें बिट भाई क्या हो गया, वन बिट लेता है ये, ठीक है? क्योंकि फॉल्स या ट्रू, तो एक वक्त में या तो ये जीरो होगा या तो वन होगा, तो एक बिट में ये काम हो जाता है, ट्रू या फॉल्स का एक बिट में ही काम हो जाता है, ठीक है? अच्छा, तो 128 और प्लस 128 बाइट, क्या बोल रहा था, बिट बोल रहा था ना, हाँ 129 बिट लेगा ये, बिट वाइट में ऐसा ना टंग ट्विस्टर ट्विस्ट हो जाता है, तो 129 बिट्स ये टोटल ले रहा है इस वक्त मेमोरी में, ठीक है? अपेरेंटली, अब वो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी हैं V8 के इंजन की, तो मैं टेक्निकली कोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपेरेंटली इतना साइज़ कुछ ना कुछ बन रहा है। अच्छा, ये मैं जो मेमोरी में साइज़ की बात करता हूँ ना, ये मैं इसलिए करता हूँ कि थोड़ा समझने में उसमें बैलेंस मिलता है, समझने में आसानी होती है। मतलब ऐसा मैंने नोट किया कि अगर ये बात करो ना तो चीज़ की समझ में आ जाती है जल्दी से, ठीक है? लेकिन असल में टेक्निकल बात यह है कि ट्रू फॉल्स एक बिट नहीं लेता है, ये तकरीबन 4 बिट लेता है, जो V8 की अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसकी वजह से, वरना इसको ज़रूरत तो एक ही बिट की होती है, तो वो 3 या 4 बिट ले रहा होता है मुख्तलिफ केसेस में। तो खैर, वो एक टेक्निकल डिटेल है, एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, ये जानना आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर या एज अ वेब डेवलपर, ये बात अगर आपको नहीं भी पता होगी तो चलेगा कि ये कितना मेमोरी में क्या जगह ले रहा है, ठीक है? नहीं भी पता होगी तो चलेगा, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि अगर ये बात बताई जाए तो स्टूडेंट्स को बात समझ में जल्दी आती है, इसलिए मैं ये बात बताता हूँ। अच्छा, तो ये हमने इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना सीख लिया कि इसको एक्सेस कैसे किया जाता है, ठीक है? अच्छा, दूसरा हमें क्या सीखना है, इसको चेंज कैसे करना है, मॉडिफाई कैसे करना है इसको, ठीक है? अच्छा, मॉडिफाई करने का तरीका, सबसे पहले तो एरे में देख लेता हूँ मैं क्या था, पर्सन 0 equals to something else अहमद, ठीक है? तो अब ये अली क्या हो गया, हट गया और अहमद आ गया उसकी जगह, ठीक हो गया? अब इसके अंदर वही काम मैं कैसे करूँगा, इस नीचे वाले में मैं बोलूँगा person dot name equals अहमद,
ठीक है, जॉन को भी हटा दिया, अहमद अली। अच्छा, जब मैं ये काम करने के बाद इसको दोबारा से यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? लास्ट में बिल्कुल अहमद आना चाहिए। अच्छा, वो क्या हुआ, पर्सन मिला? अच्छा, यहाँ पे पर्सन में एस है, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, लास्ट में देखो अहमद यहाँ पे प्रिंट हो गया, क्योंकि मैंने इस ऑब्जेक्ट में जो भी नेम की प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पे तो जॉन थी, लेकिन इस पॉइंट पे आके अब वो चेंज हो चुकी है, अहमद हो चुका है। ठीक है, इसी तरह मैं तीनों वेरिएबल को, तीनों जो इसके प्रॉपर्टीज़ हैं तीनों को चेंज कर सकता हूँ, राइट। अच्छा, तो मैं बोलूँगा यार कि अहमद है, एज को मैंने कह दिया कि भाई 65 है और इज़ मैरिड, ट्रू है। ठीक है, एज इज मैरिड, ट्रू। अब मैं पूरे पर्सन को भी कंसोल करवा सकता हूँ ना, सही है, जैसे पूरे एरे को करवा देता हूँ समटाइम, तो मैं पूरे पर्सन को कराऊंगा तो सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। जाता हूँ मैं ज़रा इसको क्लियर करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मेरा पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया। ठीक है, पूरे ऑब्जेक्ट में आप देखें, एज 65, इज़ मैरिड, ट्रू, नेम अहमद। वो असल में अल्फाबेटिकली उसको अरेंज कर दिया उसने, इसलिए वो ऊपर नीचे दिख रही है प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा, अब अभी तक जो चीज़ें हमने इसमें पढ़ी हैं ऑब्जेक्ट में, इससे मुतालिक सवाल जी, सिंटैक्स में फ़र्क है खाली, काम बिल्कुल एक कर रहे हैं दोनों, सेम कर रहे हैं जी, दोनों डेटा टाइप है, एक का नाम है ऑब्जेक्ट, एक का नाम है एरे। लेकिन ज़्यादा जो अच्छा ज़्यादा तो खैर नहीं बोल सकते, दोनों जो है अपने अपनी जगह पे यूज़ होता है, दोनों ही ज़्यादा यूज़ होता है एरे और ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है शायद कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब ये टेक्निकल सवाल किया तुमने, है तो सही, लेकिन अभी इस डिटेल में शायद मैं जाना नहीं चाह रहा। तुम्हारा अगर कोई सवाल है उससे मुतालिक तो पूछो, हाँ है तो ऑब्जेक्ट ही है वो जी। हाँ, अच्छा, की आप इसकी अपडेट नहीं कर सकते, की आप इसकी अपडेट नहीं कर सकते, की को अपडेट करना है मिसाल के तौर पर, नेम को हटा के क्या करना है, जैसे नेम लिखा हुआ है इसको हटा के क्या करना है, फुल नेम है, तो अब बता देता हूँ कि ये फुल नेम कैसे होगा। फुल नेम ऐसे होगा कि मैं यहाँ पे आऊँगा, पर्सन डॉट फुल नेम इक्वल्स टू मोहम्मद अहमद। ठीक है, अब ये आपकी ना प्रॉपर्टी जो है अपडेट हो गई। अच्छा, लेकिन इस अपडेट में फ़र्क क्या है कि वो नेम ख़त्म नहीं हुआ, वो नेम है, सही है। अब अगर देखो मैं इसको कंसोल करवाता हूँ तो क्या आता है मेरे पास, ठीक है, मैंने कंसोल करवाया तो ये आया, नेम भी मौजूद है, फुल नेम भी मौजूद है, समझ रहे हो। आमतौर पर ना जैसे तुम कह रहे हो ना, इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें ना, अच्छा मैं तुमसे इसमें क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ। देखो एरे हम पढ़ चुके हैं, अच्छा इन्होंने सवाल ये पूछा है कि सर की और वैल्यू दोनों को अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे करूँगा। अच्छा एरे आप पढ़ चुके हैं, एरे के ज़ीरो इंडेक्स पे अली लिखा हुआ है। अच्छा अब मैंने इसका इंडेक्स भी प्रिंट करना है और इसकी वैल्यू भी प्रिंट करनी है, मैं कैसे करूँगा, ये किया है आपने, ट्राई किया है ऐसा कभी, कैसे करूँगा बताओ भाई। मिसाल के तौर पे मैं इस लाइन में यहाँ पे मैंने इस ज़ीरो वाले की वैल्यू तो प्रिंट कर दी, अब मुझे ज़ीरो वाले का इंडेक्स भी प्रिंट करवाना है। भाई इसका जवाब ये है कि जब तक मुझे इंडेक्स पता नहीं होगा तो मैं वैल्यू को एक्सेस ही नहीं कर सकता, तो इंडेक्स मुझे पता है। इसी तरीके से यहाँ पर, ठीक है, जब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ पर्सन डॉट फुल नेम, तो ये फुल नेम तो की है ना, ये तो मुझे पता है, ठीक है, ये तो मुझे पता है, जब ही तो मैं वैल्यू को एक्सेस करूँगा ना, तो एरे में आपको वैल्यू को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स का पता होना ज़रूरी होता है। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट में भी आपको किसी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए उसकी की का पता होना ज़रूरी होता है। तो की आपको पता है, आप की लिखेंगे वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये सीन है।
इंडेक्सेस नहीं होते इसके अंदर, सही है। आप ये नहीं कर सकते कि भाई पर्सन का इंडेक्स नंबर जीरो उठा लेके ले आओ, इसमें सीक्वेंस पे आप डिपेंडेंट नहीं है। मिसाल के तौर पे नेम को मैं नीचे कर दूँ, सही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही है। या मैं एज को जो है बीच में कर दूँ, इस मैरिड को पहले कर दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। सीक्वेंस पे आप कोई डिपेंडेंसी आपकी अब नहीं है। अब की का नाम लिखेंगे, उस की के अगेंस्ट जो भी बात होगी वो आपको मिल जाएगी, सही है। तो हमें की जो है वो पता होगी पहले से, और की आमतौर पे की को अपडेट नहीं किया जाता, हम पहले ही सोच लेते हैं कि की क्या होगी, हम वही रखते हैं पहले, और वैल्यू उसकी जो है वो चेंज होती रहती है वक्त के साथ साथ। हाँ, अभी आपके दोस्त ने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि इस एरे के अंदर कौन कौन सी ऐसे डेटा टाइप्स हैं जो पॉसिबल है। अच्छा, जैसे कि इन्होंने मिसाल दी कि एरे के अंदर हम स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, नंबर भी रख सकते हैं, बूलियन भी रख सकते हैं, सही है, फंक्शन भी रख सकते हैं, एरे के अंदर फंक्शन भी रख सकते हैं आप, और एरे के अंदर आप एक दूसरा एरे भी रख सकते हैं, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं, बिल्कुल। तो यही सारी पॉसिबिलिटी ऑब्जेक्ट के अंदर भी है। ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे इज मैरिड के सामने जो है अभी फॉल्स लिखा हुआ है, बूलियन लिखा हुआ है, इसकी जगह स्ट्रिंग, नंबर, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, कोई भी दूसरा एरे सब हो सकता है, ठीक है, किसी चीज़ के लिए मना नहीं है आपको। अच्छा, एक बात ना फंक्शन के टाइम पे रह गई थी, वो ज़रा मुझे अभी अभी याद आई है, तो मैंने कहा वो भी मैं आपसे जिक्र कर दूँ। ये आमतौर पर इंटरव्यू में भी सवाल कभी कभी आ जाता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस जो हैं वो फर्स्ट क्लास सिटीज़न है। जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन जो है वो क्या है, फर्स्ट क्लास सिटीज़न है। फर्स्ट क्लास सिटीज़न का मतलब क्या होता है ऐसे अंग्रेज़ी में, आम इन जनरल जो है फर्स्ट क्लास सिटीज़न किसको कहते हैं? फर्स्ट क्लास सिटीज़न किसको कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलावा ही पूछ रहा हूँ ना, यानी आम जिंदगी में किसको कहते हैं? अच्छा, फर्स्ट क्लास सिटीजन जो होते हैं ना, किसी भी कंट्री के जब आप बाकायदा सिटीजन होते हैं, जब आपका CNIC बना हुआ होता है उस मुल्क का, तो आप होते हैं फर्स्ट क्लास सिटीजन, ठीक है। जैसे आप सब लोग बैठे हैं, जिन लोगों का CNIC बना हुआ है वो फर्स्ट क्लास सिटीजन है। अच्छा, फर्स्ट क्लास सिटीजन होने का मतलब ये है कि मुल्क में जितनी भी सर्विसेज एक सिटीजन को दी जाती हैं वो सब आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे वो पानी बिजली हो, ठीक है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन ख़रीदने की सहूलत हो, ठीक है। आप जब एक बाकायदा आप एक शहरी होते हैं तो आप अपना CNIC दिखाते हैं, आपको फ़ोन भी मिल जाता है, आपको बिजली और पानी के कनेक्शन भी मिल जाते हैं, इंटरनेट के कनेक्शन में भी आपको वो चाहिए होता है, ठीक है। फिर किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करनी होती है, गवर्नमेंट का कोई भी अदारा होता है जहाँ जहाँ आपको सर्विसेज अवेल करनी है, आप जाते हैं और अपना नेशनैलिटी को इस्तेमाल करते हुए आप सर्विस अवेल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर सेकंड क्लास और थर्ड क्लास में बहुत सारी कैटेगरीज हैं। एक होता है कि यार कहीं और से बंदा आया हुआ है, वक्ती तौर पर यहाँ मौजूद है, तो वो वक्ती तौर पर जितने दिन के लिए उसने वीज़ा ख़रीदा है ना, वो उतने दिन के लिए यहाँ का शहरी है, उतने दिन के लिए उसको इजाज़त मिली भी कोई यहाँ रहे, ठीक है, वो उसने पे किया है, पैसे पे किए हैं कि इतने दिन मैं यहाँ पे रहूँगा, उसमें सिटी टैक्स भी शामिल होता है, उसमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें शामिल होती हैं जो जो उसको रहने के लिए यहाँ पे ज़रूरी होती हैं। लेकिन वो क्या फ़र्स्ट क्लास सिटीज़न है? नहीं, वो फर्स्ट क्लास सिटीज़न नहीं होता, वो बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे अवेल नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे वो अपने नाम से शायद बिजली का कनेक्शन ना लगवा सकता हो, ठीक है, क्योंकि बिजली का कनेक्शन तो वो लगवाएगा ना, इसने परमानेंट यहाँ रहना है, उसको तो वीज़ा मिला है विज़िट एक महीने का, दो महीने का, तीन महीने का, ठीक है, मे बी, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मे बी ऐसा होता हो। अच्छा, तो वो बहुत सारी सर्विसेज अवेल नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो अब ये प्रोग्रामिंग के अंदर फर्स्ट क्लास सिटीजन का क्या सीन है? जो वेरिएबल होता है ना प्रोग्रामिंग के अंदर, सही है, जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल होता है, वेरिएबल इज़ अ फर्स्ट क्लास सिटीजन। फर्स्ट क्लास सिटीजन उसको कहते हैं जो एज अ वैल्यू पास किया जा सकता हो, किसी फंक्शन में एज अ पैरामीटर भेजा जा सकता हो, या किसी फंक्शन से रिटर्न किया जा सकता हो जिस चीज़ को, उसको हम फर्स्ट क्लास सिटीजन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे नंबर का वेरिएबल है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, एक बूलियन वेरिएबल है, ऑल ऑफ दीज वेरिएबल्स आर फर्स्ट क्लास सिटीजन। फंक्शन भी फर्स्ट क्लास सिटीजन है जावास्क्रिप्ट के अंदर। मिसाल के तौर पर
इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पे आप स्ट्रिंग को सेव करवा सकते हैं वहाँ पे आप फंक्शन भी लिख सकते हैं। जैसे एरे के बीच में मैं एरे के कौन से इंडेक्स पे 0, 1, 2, 3 थ्री इंडेक्स के ऊपर मैंने क्या कर दिया, एक अदद फंक्शन लिख दिया। ये फंक्शन क्या करता है, ए कॉमा बी दो वेरी दो ये अपना पैरामीटर्स लेता है और रिटर्न करता है, ए को बी से प्लस करके रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो मेरे पास 0, 1, 2 और 3 के ऊपर एक फंक्शन है। ठीक है, अच्छा 4 के ऊपर मैं क्या कर देता हूँ, 4 के ऊपर मैं एक ऑब्जेक्ट रखवा देता हूँ। ठीक है, 4 इंडेक्स के ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखवा दिया। अच्छा, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना फंक्शन फर्स्ट क्लास सिटीजन नहीं होता है। जैसे सी लैंग्वेज में फंक्शन जो होता है वो फर्स्ट क्लास सिटीजन नहीं होता। ठीक है, फंक्शन को वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाया जा सकता। कुछ लैंग्वेजेस हैं ऐसी जिनमें फंक्शन को वेरिएबल में स्टोर नहीं कराया जा सकता, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने कहा लेट माई फंक्शन इक्वल्स टू क्या, फंक्शन। ठीक है, अब मैंने कहा ए सही है। अच्छा, अब ये नोट करो, ये क्या किया मैंने, नेम्ड वेरिएबल बनाया, नेम्ड फंक्शन बनाया, एक फंक्शन ऐसा बनाया जिसका नाम है। अच्छा, नाम होने के बावजूद मैंने उसको एक वेरिएबल में भी डाल दिया, तो वो वेरिएबल में भी चला गया, नाम से भी कॉल होगा, वेरिएबल के नाम से भी कॉल होगा। दिस इज बिकॉज फंक्शन इज अ फर्स्ट क्लास सिटीजन इन जावास्क्रिप्ट। तो ये ज़रूरी है आपको पता होना, क्योंकि असल में पता होना ज़रूरी है कि बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट हैं वो इस पे बेस कर रहे होते हैं। अगर आपको ये बात नहीं पता होगी ना, तो बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट आप पिक नहीं कर पाते कि भाई सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता तो इसमें क्यों हो जाता है। ठीक है, जब सी प्लस प्लस में और सी शार्प में ऐसा नहीं होता तो इसमें क्यों हो जाता है, तो उसका रीज़न फिर रूट कॉज यहाँ पे आगे बनता है कि इसमें फंक्शन क्या है, एज अ वेरिएबल ट्रीट होता है, एज अ फर्स्ट क्लास सिटीजन ट्रीट होता है। वेल, तो पता ये चला कि एरे के अंदर मैं क्या रख सकता हूँ, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, फंक्शन, ऑब्जेक्ट और एक दूसरा एरे भी रख सकता हूँ मैं। एक मैंने क्या करवा दिया, एक दूसरा एरे रखवा दिया, सही है, सारी चीज़ें वैलिड है। इस फंक्शन में कोई इस कोड में कोई एरर भी नहीं है। मैंने रिफ्रेश किया, कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही चला ये। ठीक है, जो सारे कॉन्सोल मैंने लगाए थे वो सारे कॉन्सोल भी आ गए हैं। अच्छा, इसी तरीके से ऑब्जेक्ट के अंदर भी मैं ये सारी चीज़ें करवा सकता हूँ। ठीक है, मैंने कहा फुल नेम इक्वल टू अ फंक्शन। ठीक है, फुल नेम को मैंने क्या कर दिया, एक फंक्शन बना दिया। वेल, अभी ये फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट अभी रहने देते हैं, ये कंफ्यूज कर देगा। अच्छा, इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, फैमिली करके मैंने एक एरे भी दे दिया। मैंने कहा नेम इसका जॉन है, फैमिली के अंदर मैंने एक लिस्ट दे दी, एक एरे दे दिया, चलेगा। अच्छा, अब मैं जब लिखूँगा पर्सन डॉट फैमिली तो ये एरे पूरा प्रिंट हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं जी कैसे प्रिंट होगा। इन सबको मैं कॉन्सोल को रोक देता हूँ। पर्सन डॉट फैमिली से मुझे क्या मिल गया, एक एरे मिल गया। अच्छा, अब मैं अगर चाह रहा हूँ कि मैं इस अहमद को एक्सेस करूँ तो मैं कैसे करूँगा, मैं फैमिली के आगे लगाऊंगा इंडेक्स 1। ठीक है, पर्सन डॉट फैमिली का इंडेक्स 1। अब देखते हैं इसके अंदर पूरा एरे प्रिंट होना चाहिए, इसके अंदर सिर्फ अहमद प्रिंट होना चाहिए। क्लियर किया, रिफ्रेश किया, देखो पूरा एरे भी प्रिंट हो गया, अहमद भी प्रिंट हो गया, सही हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर मैं एक और ऑब्जेक्ट भी रखवा सकता हूँ। मैंने कहा कि यार सब्जेक्ट्स, सही है, ये मैंने एक इसके अंदर ऑब्जेक्ट रखवा दिया सब्जेक्ट्स। अब उसके अंदर मैथ है 80 है, इंग्लिश है 90, अरबिक है 70, मार्क्स लिखे हैं मैं साथ में, मे बी कुछ भी इमेजिन कर लो इसको। अच्छा, अब मैंने आगे नीचे क्या बोला, इसको मैं एक्सेस कैसे करूँगा, बल्कि यहीं पे लिख लेता हूँ उसको, कॉन्सोल डॉट लॉग लिखा मैंने, और अब मैं बोलूँगा पर्सन डॉट सब्जेक्ट्स। ठीक है, पर्सन डॉट सब्जेक्ट्स जब मैं लिखूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, पहले इतना करवा के देखते हैं।
ठीक है, देखो ये पूरा ऑब्जेक्ट मेरे पास प्रिंट हो गया, आ गया, ठीक हो गया। अच्छा अब मुझे सिर्फ इंग्लिश के मार्क्स गेट करने हैं, तो मैंने कहा डॉट इंग्लिश पर्सन डॉट सब्जेक्ट्स डॉट इंग्लिश, यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया तो देखो मुझे सिर्फ साइंस के आगे मैंने क्या इंग्लिश नहीं लगाया, अच्छा पर्सन डॉट सब्जेक्ट डॉट इंग्लिश के सामने 90 लिखा हुआ है। अच्छा इसी तरह से ये चेंज भी होगा जैसे इसको मैंने एक्सेस किया, मिसाल के तौर पे अगर मुझे उस 90 को चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा इंग्लिश इक्वल्स टू मैं कहूँगा 80, सही है। तो ये मैंने इसको क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। कैसे मॉडिफाई किया, वेरिएबल का नाम, सही है, वेरिएबल के अंदर जो की मौजूद थी सब्जेक्ट उसका नाम, फिर उसके अंदर जो की मौजूद थी इंग्लिश उसका नाम, और उसके आगे वैल्यू, ठीक है। देखते हैं जी अब 80 हो जाता है कि नहीं हो जाता, 80 हो गया, ठीक है। अच्छा अगर मैं ये बोलूँ, मिसाल के तौर पे अगर मैं ये बोलूँ कि यार सॉरी पर्सन डॉट डॉट सब्जेक्ट इक्वल टू ऐसा करने से क्या होना चाहिए, ये मैंने एक किसी चीज को मॉडिफाई किया है। अच्छा एक दोस्त ने कहा कि ये ऑब्जेक्ट पूरा ख़त्म हो जाएगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी, यानी काइंड ऑफ कुछ इस तरह की चीज़ हो जाएगी, ये हो जाएगा। कितने लोग इनकी बात से एग्री करेंगे, सभी लोग एग्री कर रहे हैं, ठीक है जी, बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि ये सब्जेक्ट के अगेंस्ट इस वक्त एरे, ये ऑब्जेक्ट मौजूद है, मैं उसको सब्जेक्ट्स को कुछ और दूंगा, स्ट्रिंग दे दूंगा स्ट्रिंग हो जाएगा, ये एरे दे दूंगा तो एरे हो जाएगा, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में कोई चीज़ मना तो है नहीं। तो अब जब मैं इसको क्योंकि हमने एरे में भी यही देखा था ना कि पहले इंडेक्स में शुरू में स्ट्रिंग है तो आप बाद में नंबर दे दो नंबर हो जाता है वो, तो ठीक है मैंने कहा पर्सन डॉट सब्जेक्ट इक्वल टू सम सब्जेक्ट, और अब यहाँ पे मैं पर्सन डॉट सब्जेक्ट को प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। मैंने कहा पर्सन डॉट सब्जेक्ट इक्वल टू कुछ नया दे दिया उसको, इस ऑब्जेक्ट को हटा देगा ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पे। फिर इसी पर्सन डॉट सब्जेक्ट्स को मैंने प्रिंट भी करवाया वेरीफाई करने के लिए कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ वैसा ही हुआ है। यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मैंने देखा कि यहाँ पे पर्सन डॉट सब्जेक्ट में अब क्या आ चुका है, एक स्ट्रिंग आ चुका है। अच्छा अगर मैं पूरे पर्सन को प्रिंट करवाऊँ, सही है, मैं पूरे पर्सन को अगर प्रिंट करवाऊँ तो उसमें भी मुझे इसी तरह की चीज़ दिखनी चाहिए, ठीक है। ये पूरा पर्सन प्रिंट हो गया है, अब इसके अंदर क्या मौजूद है सब्जेक्ट्स के अगेंस्ट, वही स्ट्रिंग जो मैंने अभी रखा है, ठीक है। तो इस तरह मैंने देखा कि कोई भी चीज़ मैं रिप्लेस भी करवा सकता हूँ इस तरह करके। अच्छा तो ये हो गया थोड़ा सा, तो एक ओवरव्यू हो गया ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है कि भाई ये ऑब्जेक्ट होते हैं। यहाँ तक किसी का अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछे जी। अच्छा कॉन्स्ट और लेट हम शुरू में ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी वेरिएबल आप कॉन्स्ट करके बनाते हैं वो एक बार बन जाता है, वो चेंज नहीं होता बाद में, उसको चेंज नहीं कर सकते आप। मिसाल के तौर पे अगर मैंने लेट पर्सन, इसको मैंने कॉन्स्ट करके बनाया है पर्सन, ठीक है, कॉन्स्ट पर्सन करके बनाया है, अब जाके नीचे जब मैं जाके चेंज करूँगा ना, मैं कहूँगा पर्सन इक्वल्स टू और कुछ इसमें यह चीज़ दे दी मैंने, ये एरर देगा मुझे, ठीक है। अच्छा अभी तो नहीं दे रहा लेकिन ये मुझे एरर देगा, पता नहीं क्यों नहीं दे रहा, मेरा ख्याल है कॉन्सोल पे देगा, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट करके कोई भी वेरिएबल बना हुआ उसको मैं चेंज नहीं कर सकता नीचे जाके। हाँ ये देखो मुझे एरर दे दिया इसमें, असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल, तो फिर कॉन्स्टेंट बना किन चीज़ों के लिए ये भी बता दो, कौन बताएगा। हाँ जिनको हमने चेंज करना ही नहीं है उसके लिए बना है, ठीक है। अच्छा कॉन्स्ट करके जो वेरिएबल बनता है वो मेमोरी में कितनी जगह लेता है,
कॉन्स्ट करके जो वेरिएबल बनता है वो मेमोरी में कितनी जगह लेता है? अगर कोई स्ट्रिंग वेरिएबल कॉन्स्ट करके आपने बनाया है या कोई नंबर वेरिएबल आपने कॉन्स्ट करके बनाया तो वो मेमोरी में कोई जगह नहीं लेता, सही है? मेमोरी में कोई जगह नहीं लेता क्या मतलब? मिसाल के तौर पे आपने एक मैं शुरू में बिल्कुल एक वेरिएबल बना देता हूँ। मैंने कहा कि भाई कॉन्स्ट पाए इक्वल्स टू 3.14। अच्छा, कॉन्स्ट के लिए ना एक कन्वेंशन होती है, कैपिटल में बनाते हैं पाए को, यानी जो भी कॉन्स्टेंट वेरिएबल होता है उसका नाम ना कैपिटल में लिखते हैं पूरा, ऐसे एक कन्वेंशन है, ये लोग इसको फॉलो करते हैं इस तरह करके। अब ये जो पाए है ना, मैं कह रहा हूँ मेमोरी में ये कोई जगह नहीं लेता, ऐसा क्यों है? जब मेमोरी में जगह नहीं लेता तो ये वेरिएबल बन कैसे रहे फिर? कोई ब्रेन स्ट्रोमिंग का सवाल है, कोई भी अपना इसमें ओपिनियन दे सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक वेरिएबल बन भी रहा है मेमोरी में कोई जगह भी नहीं ले रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ भाई बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है? सवाल मेरा ये है कि देखो, ये जो कांस्टेंट करके वेरिएबल बनता है ना, मैंने ऐसा बोला है कि ये मेमोरी में कोई जगह नहीं लेता, हालांकि नंबर वेरिएबल है तो इसको लेना चाहिए 64 बिट, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेमोरी में कोई जगह नहीं लेता, ठीक है? अब यहाँ पर मैंने इसको कॉन्सोल करवाया तो ये कॉन्सोल भी हो रहा है, सही है? कॉन्सोल ये हो जाएगा, ठीक है? नीचे किसी जगह पे फार्मूला है, फार्मूले के बीच में ये वेरिएबल को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ज़ाहिर है चेंज तो ये हो नहीं सकता, पाई की वैल्यू हर जगह सेम रहती है। नीचे पूरे कोड में 200 लाइन का 500 लाइन का कोड है, उसमें पूरे में सब जगह ये इस्तेमाल हुआ है, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेमोरी में कोई जगह नहीं ले रहा, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये मेमोरी में कोई जगह ना ले रहा हो? क्या पीछे की स्ट्रेटजी हो सकती है? कोई ऐसी चीज़ है जहन में कि इसके साथ कुछ ऐसा गेम किया जाए कि वेरिएबल इस्तेमाल भी हो जाए पूरे कोड में और ये मेमोरी में जगह भी ना ले? सोचो सोचो सोचो, ब्रेन स्ट्रोमिंग का सवाल है, कोई इसमें सही गलत नहीं है, कोई अपना ओपिनियन प्लीज शेयर करें, सही है? सही गलत नहीं है इस जवाब में कोई। वक्ती तौर पे भी मेमोरी में जगह नहीं लेता, मेमोरी में जाता ही नहीं है जी। क्लिक पे जो चीज़ है ना वो तो अलग है ना, ये तो कोड में हार्ड कोडेड हुआ है, बटन के क्लिक पे तो वो जाहिर है फिर वेरिएबल है, वो कांस्टेंट नहीं है। हाँ नहीं लेगा, जगह नहीं लेगा मेमोरी में, वो कोई जगह नहीं लेगा। इस्तेमाल तो होगा नहीं हार्ड ड्राइव में, यानी हार्ड ड्राइव में तो जाहिर है कोड का जो आपका साइज है यानी कितने KB का जो कोड है वो तो बढ़ेगा जाहिर है। हार्ड ड्राइव में जहाँ पे कोड आपका स्टोर हुआ हुआ है, जाहिर है कितने लाइन का कोड है उसी हिसाब से उसका साइज़ होता है, वहाँ पे तो बढ़ेगा, लेकिन जाहिर है जब कोड रन होता है ना मेरा, तो हर वेरिएबल मेमोरी में जाके सेव होता है और हर वेरिएबल को मेमोरी में जगह एलोकेट की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम की जानिब से, रैम में जगह दी जाती है, रैम में जाके वो स्टोर हो जाता है, फिर रैम में ही सारी कैलकुलेशन वगैरह सब उसमें परफॉर्म हो रही होती है, ठीक है? क्योंकि हार्ड ड्राइव से डायरेक्ट डेटा को ना प्रोसेसर में ले जाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हार्ड ड्राइव होती है बहुत स्लो चीज़, रैम थोड़ी फास्ट होती है, तो आमतौर पर तरीका यही होता है कि हार्ड ड्राइव से उठा के रैम में ले जाते हैं, वहाँ पे खड़ी रहती है वैल्यू, वो जब प्रोसेसिंग करनी होती है तो उठा के प्रोसेसर में डाला, प्रोसेस करके वापस रैम में मंगवा लिया। तो रैम जो होता है ना, वो जो वेरिएबल्स जितने भी होते हैं ना, वेरिएबल्स आर सिटिंग इनसाइड रैम मेमोरी। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों है। देखो जब मेरा कोड रन होता है ना तो ये कांस्टेंट वेरिएबल है,
ये 200 लाइन का कोड है, 500 लाइन का कोड है, चेंज तो नहीं होगा, ये चेंज तो नहीं होगा। तो हमारा जो ब्राउज़र है या जो भी कोड को रन करने का जो इंजन है वो क्या करता है, वो इसकी वैल्यू को उठाता है और जहाँ जहाँ पे ये वेरिएबल लगा हुआ है ना, कंट्रोल एफ, जहाँ जहाँ लगा हुआ है वहाँ पे क्या करता है, इस एक्चुअल वैल्यू जाके पेस्ट कर देता है और फिर कोड को रन करता है। क्लियर हो गया? क्योंकि चेंज तो होगा नहीं ना ये पूरे कोड में, तो ये जहाँ जहाँ पे ये पाई लिखा हुआ होता है ना, चाहे वो कंसोल हुआ हो चाहे किसी फॉर्मूले के बीच में हो, वहाँ पे ना इसकी एक्चुअल वैल्यू को क्या करता है, जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता है और फिर कोड को रन करता है। तो ऐसा करने से जाहिर है वेरिएबल ही नहीं बन ही नहीं रहा होता वेरिएबल, ये वेरिएबल ही ख़त्म हो गया, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू सब जगह जाके पेस्ट हो जाती है। लेकिन ये हम नहीं कर रहे होते, ये कंपाइलर लेवल पे और ये जब रन होता है कोड उस लेवल पे ये काम हो रहा होता है, तो हमें पता नहीं चलता। तो इस वजह से जहाँ जहाँ पे पॉसिबल होता है हमें कोशिश करनी चाहिए हम कॉन्स्टेंट वेरिएबल बनाएं, हाँ रैम एफिशिएंट रहता है, ठीक है। लेकिन जाहिर है हर जगह ये पॉसिबल नहीं होता कि हम कॉन्स्टेंट बना सकें, ठीक है, हर जगह ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मैंने साथ में ये भी जिक्र किया है कि अभी ये थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, अभी इतना ही रखते हैं इसको, लेकिन चलो थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। अगर मैं एरे को कॉन्स्टेंट कर दूँ, हाँ, इसके अंदर मैं पुश और पॉप अभी भी कर सकता हूँ एरे के अंदर, ठीक है। अब ये वाली डिटेल आपको समझने के लिए ना, वो शुरू की बिल्कुल क्लास थी ना जब हमने ये पढ़ा था कि एरे मेमोरी में जाके सेव कैसे होता है, तो उसमें जो पार्ट एक्चुअल सेव हो रहा होता है वो एक एड्रेस होता है, तो वो असल में एड्रेस कॉन्स्टेंट हो जाता है। लेकिन इसमें मैं नई वैल्यू पुश भी कर सकता हूँ, इसकी वैल्यूज़ को मैं चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन इसकी टाइप एरे से मैं इसको ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर मैंने कॉन्स्टेंट पर्संस लिखा, ठीक है, अब मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा ना, पर्संस का जीरो इंडेक्स मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे चेंज किया हुआ है, ये मुझे एरर नहीं देगा, ये मुझे करने देगा चेंज, ठीक है। लेकिन इसको समझने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, एरे और ऑब्जेक्ट में नई वैल्यू भी ऐड करना मुझे अलाउ कर दे रहा है, इसको समझने के लिए वो शुरू वाली जो क्लास है जब हमने ये सीखा था, जब एरे हम पढ़ रहे थे उस वक्त हमने ये सीखा था कि एरे मेमोरी में जाके स्टोर कैसे होता है, मेमोरी में ये जगह कैसे लेता है। जिस क्लास में हमने एरे को क्लोन करना सीखा था उस क्लास को आप अगर समझ लेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि अगर एरे कॉन्स्टेंट भी हो तो उसमें नई वैल्यूज़ को पुश किया जा सकता है और एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ को चेंज किया जा सकता है। ज़रा चला के भी देख लेते हैं इसको, ठीक है, सही चला बिल्कुल, कोई एरर इसने दिया। और ज़रा इसके पर्सन को एडिट करने के बाद पर्सन को ज़रा सा कंसोल भी करा के देख लेते हैं, क्योंकि शुरू में तो अली प्रिंट हुआ है यहाँ पे, लाइन नंबर 30 जो था, लाइन नंबर 30 में ये अली प्रिंट हुआ है जो ओरिजिनल वैल्यू थी शुरू में अली, ठीक है। अब लाइन नंबर 32 में क्योंकि ये चेंज हो चुका है तो अब अहमद प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे, तो ठीक है, पहले अली आया फिर अहमद आ गया। हालांकि ये जो मेरा एरे है ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर की वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, इसमें नई वैल्यू पुश करूँगा वो भी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि यार पर्संस डॉट पुश, ठीक है, एबीसी करके मैंने एक स्ट्रिंग पुश करवा दिया। पुश कहाँ पे होता है, सबसे आखिर में होता है, यानी ये वजह जो ये वाला जो इंडेक्स है इसके बाद जाके पुश कर देगा जो भी नई वैल्यू मैंने दी है इसको। कट किया मैंने, रिफ्रेश किया, अब यहाँ पे आके देखो लास्ट में इसके ये एबीसी जो मैंने पुश कराया था पुश हो गया, वो ये एरे है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैं ये करूँ, अगर मैं इसको बोलूँ यहाँ पे आके इस पॉइंट पे कि भाई पर्संस इक्वल टू और ये स्ट्रिंग डाल दो इसके अंदर, ये एरर है, ये एरर है, क्योंकि उसके अंदर जो एरे जो था ना, जो एरे की एक्चुअल चीज़ सेव हो रही थी वो एक एड्रेस होता है असल में, और वो एड्रेस हो चुका है कॉन्स्टेंट, उसको मैं पूरे कोड में कहीं पे भी चेंज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अब एक सवाल और भी है जी, हाँ, अब ये एक सवाल है कि इसी वजह से शुरू में मैंने कहा था कि नंबर स्ट्रिंग और बुलियन के अंदर अगर आप कॉन्स्टेंट बनाते हैं तो मेमोरी में जगह नहीं लेगा, मैंने एरे और ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिया था वहाँ पे। अच्छा, अब ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि अगर मैंने एरे को, इसको तो खैर हटा देते हैं ये तो एरर है, अगर मैंने एरे को कॉन्स्टेंट करके बनाया है
तो क्या वो मेमोरी में जगह लेगा या नहीं लेगा? इसका जवाब है वो हाँ जगह लेगा, क्यों नहीं लेगा, ठीक है। लेकिन एरे की अगर मैं बात करूँ कि वो मेमोरी में स्टोर कैसे होता है, ठीक है, एरे और ऑब्जेक्ट असल में एक ही तरह से स्टोर हो रहे होते हैं। तो एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ पे वो एग्जैक्टली जाके सेव होता है। अच्छा, उसके बाद ये जो अंदर की चीज़ें होती हैं ना, इसके मिसाल के तौर पे अगर मैं एरे में आता हूँ, ये जो कॉन्स्टेंट पर्सन है इसके अंदर एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस पे जाके ये सेव होता है। ये जो अली लिखा हुआ है ना, ये रैम में किसी और जगह सेव होता है, उसका पहले इंडेक्स पे उसका एड्रेस पड़ा हुआ होता है। ये 30 जो है ये रैम में किसी और जगह सेव होता है। इस इंडेक्स पे इस पर्सन के अंदर क्या पड़ा हुआ है? इसका इंडेक्स पड़ा हुआ है, इसका इंडेक्स पड़ा हुआ है या इसका एड्रेस पड़ा हुआ है। ये फॉल्स मेमोरी में किसी और जगह सेव है। इस इंडेक्स पे या इस पर्सन के इंडेक्स नंबर 3 पे क्या पड़ा हुआ है? असल में इसका एड्रेस पड़ा हुआ है, कि ये फॉल्स जहाँ भी सेव है उसका एड्रेस यहाँ पर होता है, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है ना पर्सन का, वो कॉन्स्टेंट हो जाता है, बाकी चीज़ें तो ज़ाहिर है रैम में है ही कहीं और, तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि लोग आमतौर पर फिर एरे को कॉन्स्टेंट क्यों बनाते हैं? जब एरे को कॉन्स्टेंट बनाने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो एरे को कॉन्स्टेंट बनाते क्यों हैं इन द फर्स्ट प्लेस, या ऑब्जेक्ट को कॉन्स्टेंट बनाते क्यों हैं? टाइप सेफ्टी के लिए बनाते हैं। टाइप सेफ्टी का मतलब ये है कि शुरू में इसको मैंने एरे रखा था, आपने अगर किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने का इत्तेफाक हुआ तो उसमें होता ये है कि किसी वेरिएबल को अगर आपने एरे बना दिया ना, तो बाद में आप उसको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, बाद में स्ट्रिंग नहीं बना सकते, ठीक है। या किसी वेरिएबल को आपने स्ट्रिंग बनाया तो बाद में आप उसको नंबर नहीं बना सकते, स्ट्रिंग ही सेव होगा उसके अंदर। तो दैट इज़ कॉल्ड टाइप सेफ्टी, जो कि जावास्क्रिप्ट में टाइप सेफ्टी में बहुत आज़ादी है। तो कुछ डेवलपर्स को ये चीज़ पसंद नहीं आती है, इतनी आज़ादी मुनासिब नहीं है, ठीक है, तो वो टाइप सेफ्टी के लिए लगाते हैं। अच्छा, आप सब लोग जाके इसको गूगल कीजिएगा, इसके अलावा भी अगर कोई बेनिफिट्स हैं तो मुझे भी अगली क्लास में बताइएगा, और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा जो भी इस क्लास में सारे लोग मौजूद हैं, कि इन द फर्स्ट प्लेस लोग एरे को कॉन्स्टेंट बनाते ही क्यों हैं जब वो मेमोरी में कोई फ़र्क नहीं डाल रहा हो, या इन द फर्स्ट प्लेस ऑब्जेक्ट को लोग कॉन्स्टेंट बनाते ही क्यों हैं जब वो मेमोरी में कोई फ़र्क नहीं डाल रहा, ठीक है। और आया कि ये बात दुरुस्त है कि जब नंबर और स्ट्रिंग के वेरिएबल को मैं कॉन्स्टेंट करता हूँ तो वो मेमोरी में कोई जगह नहीं लेता, आया कि ये बात दुरुस्त है, इसमें कोई सदाकत है, इसको वेरीफाई करने का क्या कोई तरीका है, इसको वेरीफाई करके देखिएगा, ठीक है। और जो भी रिजल्ट निकले वो अगली क्लास में आप लोग आके शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, सर ये जो की ऑब्जेक्ट की, हाँ सर, किसी भी स्कोप में मतलब मोबाइल एक्सेस की जा सकती है? अच्छा, ये आपके दोस्त ने सवाल पूछा है कि एक वेरिएबल है मेरे पास पर्सन, इसको तो मैं चलो कॉन्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। आमतौर पे लोग ना कॉन्स्टेंट करके बनाते हैं, कॉन्स्ट पर्सन। अब पर्सन डॉट एज और पर्सन डॉट नेम, ये मुझे कहाँ कहाँ मिल सकता है? ये मुझे, आप ना इतने को भूल जाओ, इतने को भूल जाओ, पर्सन के नाम से एक वेरिएबल है, इतना याद रखो सिर्फ। क्या याद रखोगे आप? कि पर्सन के नाम से एक वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल कहाँ कहाँ एक्सेसिबल होता है? ये पूरा ऑब्जेक्ट वहाँ वहाँ एक्सेसिबल होगा। मिसाल के तौर पे अगर ये पूरा वेरिएबल किसी फंक्शन की बॉडी में बना हुआ है तो उस फंक्शन से बाहर मुझे अवेलेबल नहीं मिलेगा ये, ठीक है। वही सारे रूल्स हैं जो एक नॉर्मल वेरिएबल के होते हैं। अगर किसी इफ़ के बॉडी के अंदर ये डिक्लेयर हुआ हुआ है तो उस इफ़ से बाहर मुझे ये अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। ऑन अदर एंड, जैसे कि अगर ये रूट लेवल पे बना हुआ है, इस वक्त ये रूट लेवल पे बना हुआ है, तो यहाँ पे जो भी फंक्शन बनेंगे उस फंक्शन के अंदर अगर कोई इफ़ है, कोई फॉर लूप है, उन सब जगहों पर मुझे ये अवेलेबल होगा। क्योंकि जब भी किसी वेरिएबल को हम कॉल करते हैं, पुकारते हैं, किसी वेरिएबल का नाम लिखते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने इस वेरिएबल को कॉल किया है, मैंने कहा पर्सन डॉट सब्जेक्ट में जाके ना ये रखवा दो, तो मैंने इस वेरिएबल को कॉल किया है और मैंने कहा इसको मॉडिफाई करो। फिर इस जगह पे मैंने इस वेरिएबल को कॉल किया है, मैंने कहा उसको बुलाओ और प्रिंट कराओ यहाँ पर। तो जहाँ जहाँ पर मैं वेरिएबल को कॉल करता हूँ तो उसका तरीका क्या होता है, उसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको तलाश कैसे करती है? उसको पहले तो उस स्कोप में तलाश करती है। मिसाल के तौर पे अगर ये बात किसी इफ़ की बॉडी में लिखी हुई है तो उस इफ़ की बॉडी में ना इस नाम का वेरिएबल तलाश करेगी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर उस इफ़ की बॉडी में नहीं मिली तो उसके पेरेंट स्कोप में तलाश करेगी, उसमें नहीं मिला तो उसके पेरेंट स्कोप में तलाश करेगी। इस तरह करते करते वो रूट लेवल तक जाके उसको ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर उस नाम का वेरिएबल कहीं नहीं मिलता तो वो एरर दे देगा, कहीं मिल जाता है दरमियान में तो चल जाएगा, सही है। तो मिसाल के तौर पर
अब यहाँ पे अगर कोई इफ़ लगा हुआ है, सही है, इस इफ़ के अंदर जो भी कंडीशन है, यहाँ पे अगर मैंने पर्सन को कंसोल करवाया हुआ है, पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, पर्सन कंसोल कराया या पर्सन डॉट नेम लगा दिया, दोनों एक ही बात है, ठीक है। पर्सन के वेरिएबल को मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अब यहाँ पे ये क्या करेगा, इस बॉडी के अंदर इस नाम का कोई वेरिएबल तलाश करने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ नहीं मिला तो इसके पेरेंट स्कोप में जाएगा, ठीक है। तो क्या इस बॉडी के अंदर इस नाम का कोई वेरिएबल बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो इसके ये पेरेंट स्कोप में जाएगा। पेरेंट स्कोप क्या है इसका, पेरेंट स्कोप है ये लेवल, ठीक है, इफ का लेवल ये, पेरेंट स्कोप ये है इसका। अब पेरेंट स्कोप के अंदर यहाँ पे भी कॉल हुआ हुआ है ये, और यहाँ पे ये डिक्लेयर हुआ हुआ है, यहाँ पे इसको ये वेरिएबल मिल जाएगा, यहाँ से वेरिएबल को लाके वो प्रिंट करवा देगा जी। और किसी का कोई सवाल इससे मुतालिक, ऑब्जेक्ट्स है जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं? जी अच्छा, ऑब्जेक्ट में और एरे में जो एक ही फ़र्क है बस, कि एरे के अंदर आप सीक्वेंस पर डिपेंडेंट होते हैं, इसमें आप सीक्वेंस पर डिपेंडेंट नहीं है, इसमें नाम होता है, हर वैल्यू का एक नाम होता है, इसमें नेम से हम कॉल कर रहे होते हैं, और कोई फ़र्क नहीं है। मेमोरी का साइज़ भी वही है, जैसे इसमें आप नई वैल्यूज़ पुश करवाते हैं, आप उसमें भी नई वैल्यूज़ पुश करवा सकते हैं, वो सारे काम इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन एरे की एक खास बात और है, एरे बना है लूप के लिए और लूप बना है एरे के लिए, ऑब्जेक्ट में वो बात ट्रू नहीं है। ऑब्जेक्ट को आप अलग से हाथ से ही एक्सेस कर रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्जेक्ट के ऊपर आप लूप नहीं चलाते हो। चल सकता है, ऐसा नहीं कि चल नहीं सकता, चल सकता है लूप इस पर, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप लूप चलाते ही नहीं है इसके ऊपर, ये बगैर लूप के ही नॉर्मली हाथ से एक्सेस हो रहा होता है। ऑब्जेक्ट की लेंथ हाँ गेट किया जा सकता है, अभी ऑब्जेक्ट के हमने मेथड्स नहीं पढ़े, एरे के हमने मेथड पढ़े थे ना, एरे डॉट पुश, एरे डॉट पॉप, इसी तरह ऑब्जेक्ट के भी कुछ मेथड्स होते हैं, वो अभी तक हमने पढ़े नहीं है। तो ये लेंथ वाला इसमें मेथड मौजूद है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ गेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस ऑब्जेक्ट की अगर मैं लेंथ गेट करूँगा तो मुझे 1, 2, 3, 4, 5 मिलेगी, ठीक है। इसको गेट करने का तरीका होता है ऑब्जेक्ट डॉट कीज़, ठीक है, लेंथ नहीं होता इसमें, ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ होता है। तो कीज़ में आपको क्या मिलता है, ये पूरा एरे मिल जाता है, इज़ मैरिड, एज, नेम, फैमिली, सब्जेक्ट, ये एरे पूरा बन के मिल जाता है, सारी कीज़ आ जाती हैं, फिर उस पर आप डॉट लेंथ लगाते हैं, वो लेंथ मिल जाता है, ठीक है। लेकिन वो अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे उसको। अच्छा, और किसी का कोई सवाल, ताकि फिर अगर सवाल नहीं है तो फिर मैं असाइनमेंट दूँ और क्लास ख़त्म करूँ, इसी का ऑब्जेक्ट का असाइनमेंट बहुत छोटा सा, एक वेदर ऐप बनानी है छोटी सी बस, उसमें बस वेदर का डेटा दिख रहा हूँ, रियल डेटा, मैं कराची लिखूँ, कराची लिख के एंटर करूँ, कराची का डिग्री जो भी सेंटीग्रेड चल रहा है ना इस वक्त कराची में, वो मुझे दिख जाए, बस इतना सा असाइनमेंट। हाँ, मैं बताऊँगा वो कैसे बनेगी, मैं बताऊँगा, ऐसा नहीं है, हाँ मैं सब बताऊँगा, भाई आया है सब बता के जाएगा, API कॉल करवानी है मुझे। मैं ये बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, वो बता दूंगा ना, जाहिर करोगे तो आप खुद ही ना उसको करके क्यों दिखाऊंगा मैं। अच्छा चलो, अब मैं असाइनमेंट बता देता हूँ आज का, कि असाइनमेंट आज का क्या है। असल में तो मैंने ये सोचा था कि आज हम वेदर ऐप बना के उठेंगे यहाँ से, ठीक है, लेकिन टाइम थोड़ा सा हमारे पास शॉर्ट हो गया आज, तो कोई मसला नहीं, आप लोग बना लीजिएगा, बता देता हूँ मैं कैसे बनेगा। अच्छा, सबसे पहले तो एडोब एक्सडी ओपन कर लेता हूँ मैं, और एक अदद यूआई तैयार कर लेता हूँ कि उसकी यूआई कैसी होनी चाहिए। कोई भी ड्राइंग ऐप, कोई भी ड्राइंग की ऐप ओपन कर लें आप, ये ड्राइंग की ऐप है एक सिंपल सी। अच्छा भाई, ये मैंने एक बना ली वेदर की ऐप,
एक मिनट, स्क्रीन बंद कैसे हो गई है? अच्छा भाइयों, ये एक मेरे पास बन गया ऊपर नेविगेशन बार। इसके अंदर मैंने एक लिख दिया टेक्स्ट, टेक्स्ट लिख दिया मैंने वेदर ऐप, सही है, अपना नाम लिख लेना साथ में और उसके साथ वेदर भी लिख लेना, वेदर ऐप, ठीक है जी। थोड़ा सा इसको बोल्ड भी कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा इसका कलर भी वाइट कर देते हैं, बन जाएगा इतना अभी तक जो मैंने बनाया, ये बन जाएगा ना? अच्छा बता रहा हूँ ना आगे क्या है, नहीं ना इतनी जल्दी थोड़ी ना, ये तो मैं यूआई बना रहा हूँ, ये तो वो यूआई बना रहा हूँ जो हजारों दफा बना चुके हैं आप। इसका बॉर्डर कैसे बढ़ेगा, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे आके लिखा टाइम है आपके पास 24 घंटे का, पता नहीं टैक्स काम ही नहीं कर रहा, क्या हो गया उसको, बदवा लग गई दोनों। अच्छा कलर इसका वाइट हुआ है ना, कहाँ से दिखेगा ये? कलर इसका फिल मैंने वाइट किया हुआ है तो दिखेगा कहाँ से बेचारा? और इसका मैंने बोल्ड भी किया हुआ है, सही है, एंटर योर सिटी नेम हो गया। थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज मेरा ख्याल है कि छोटा कर लेता हूँ, बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। ठीक है, ये प्लेस होल्डर लगा हुआ है, राइट, प्लेस होल्डर को थोड़ा सा और डिम कर देता है, ये प्लेस होल्डर लगा हुआ है। उसके बाद जनाब आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है एक बड़ा सारा वेदर। अच्छा वेदर ज़रा देख लेते हैं, असली वेदर का डेटा कैसा आता है। ये तो वेदर कुछ और ही चला गया, अच्छा वो भी वैसे सही खुल गया था, हाँ बस ये सारी डिटेल चाहिए, सही है। API भी यूज़ करनी है, वो मैं बताऊंगा कौन सी करनी है। अच्छा ये थोड़ी सी इसमें डिटेल उस तरह की नहीं है जैसा मैं चाह रहा हूँ, तो हम इस पे ही आ जाते हैं। अच्छा मैंने गूगल पे जाके लिखा वेदर, तो यहाँ पे मुझे देखो क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं। मुझे एक तो बता रहा है कि अभी राइट नाउ करेंटली कितने सेंटीग्रेड चल रहे हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सबसे इसको मैं इस तरफ कर देता हूँ ताकि ये डायरेक्ट मेरे पास मेरा ये ड्राइंग ऐप हो और ये हो। अच्छा
तो इसने मुझे क्या बताया 31 सेंटीग्रेड। मैंने कहा भाई 31 सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड का ये छोटा सा ये मुन्ना है, हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ये इसको ना कॉपी कर लीजिएगा अगर समझ में ना आए तो। 31 सही है, 31 सेंटीग्रेड हो गया। उसके अलावा मेरे पास क्या है, ह्यूमिडिटी और विंड, ये दो चीज़ें, ह्यूमिडिटी 72%, विंड 26। हाँ वो अभी मैं करता हूँ, इन तीनों को बल्कि मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ सीधा सीधा। सही है, परसिपिटेशन हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, विंड हो गया, और मुझे क्या डेटा चाहिए यहाँ पे? अच्छा टुडे का मिनिमम और मैक्सिमम चाहिए मुझे। अच्छा टुडे का जो मिनिमम और मैक्सिमम है वो देखो यहाँ नीचे शो हो रहा है 35 और 29। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि यार मिनिमम जो था वो क्या था और मैक्सिमम क्या था, क्या है वो? अच्छा अबे नहीं भाई, मिनिमम मैक्सिमम हो गया। ये तो अच्छा वेदर डॉट कॉम पे चले जाते हैं ना, यहाँ से ये डेटा उठा के ला रहा है वहाँ चले जाता है। अच्छा ये वहीं से ला रहा है, काफ़ी अजीब तरीके से दिखा रहा है। अक्यू वेदर शायद खोलता हूँ मैं, उसमें चले जाता हूँ, इसमें ना असल में वो कीज़ नहीं बता रहा सही तरह। इमेज नहीं ना यार, मैं चाह रहा हूँ कि जो कराची सिन पीके रियल फील 35 है, मोर डिटेल। अच्छा ये मुझे चीज़ चाहिए थी जो मुझे मिल गई है यहाँ पे। अच्छा मिनिमम मैक्सिमम मुझे यहाँ पे भी शो नहीं कर रही है। आज के दिन का मिनिमम टेम्परेचर क्या था और मैक्सिमम क्या था मुझे ये देखना है। आ रहा है यहाँ पे कहीं, अच्छा ये रहा टेम्परेचर हिस्ट्री फॉरकास्ट जो था ना आज के दिन का वो 34 था हाईएस्ट और लोएस्ट था 30। ठीक है, और एवरेज जो है वो 35 रहा है हाई और 29, यानी एक्चुअल जो रहा है और जो फॉरकास्ट था शायद वो इन्होंने डिस्कस किया है। अच्छा खैर हम वापस आ जाते हैं, और ये टॉप वाली जो जगह है ना इसमें जो दो चार डेटा है ये हम लिख लेते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एक तो वो रियल फील है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रियल फील इस वक्त क्या हो रहा है, ह्यूमिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा विजिबिलिटी इम्पॉर्टेंट है, विजिबिलिटी को ऐड कर देते हैं। हाँ विजिबिलिटी 5 किलोमीटर, विंड 28 किलोमीटर पर आवर होता है ना, ये क्या आ गया 28 किलोमीटर पर आवर। बस यही है भाई फिलहाल तो, और ये करना है सब लोगों को। वनडे को क्यों चाहिए होगा, बस करना है भाई। अब हम ज़रा अच्छे से ना डिज़ाइन कर लेते हैं कि इसमें
अच्छा अगर मुझे इमेज भी चाहिए हाँ भाई, ये हमारा वायर फ्रेम तैयार हो गया। हाँ अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि ये जो वायर फ्रेम मैंने बनाया है तुम लोगों के सामने, ये इसमें HTML CSS में तो कोई इशू नहीं है किसी को? लिख लोगे ना? अच्छा, ये मुझे रिस्पॉन्सिव चाहिए तीन डिवाइसेस पे, नंबर एक लैपटॉप, नंबर दो टैबलेट, और नंबर तीन मोबाइल डिवाइस, जो मोबाइल मीडियम जो गूगल क्रोम पे आ रहा होगा ना, मोबाइल मीडियम, इन तीन डिवाइसेस पे मुझे ये रिस्पॉन्सिव चाहिए जी। अरे कैसे कैसी बातें कर रहे हैं भाई, मीडिया क्वेरी हम पढ़ चुके हैं, मीडिया क्वेरी तुम्हें आती है? तो पढ़ चुके हैं ना, रिकॉर्डेड है, वो यूट्यूब पे भी डला हुआ है, देख लेना तुम वहाँ से जाइए, ठीक है? बल्कि कल परसों मैंने एक वीडियो और भी बना के डाली है अलग से, वो इस क्लास की नहीं, अलग से बना के डाली है, मीडिया क्वेरी और फ्लैक्स बॉक्स की। वेल, तो मीडिया क्वेरी और फ्लैक्स बॉक्स आप पढ़ चुके हैं, उन दोनों के जरिए ये तीनों डिवाइसेस पे बहुत ईजिली रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। हाँ ठीक है भाई, अब HTML CSS से मुताल्लिक जो भी चीज़ें हैं, ये UI, ये फ्रेमवर्क, ये UI जो बनेगा इस वायर फ्रेम का, उसमें किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि इसका जो डेटा है, सही है, यहाँ पे एंटर योर सिटी नेम लिख के जब आप एंटर करोगे तो वो डेटा कहाँ से आएगा कराची का, वो डेटा कहाँ से आएगा कराची का जो है? अच्छा, उसके लिए हम देख लेते हैं कोई फ्री वेदर की API। इसको तो पहले मैं सेव करूँ, मैंने कहा कि भाई टास्क, अच्छा सेव तो हो गया ये, अच्छा एक्सपोर्ट होगा एक्चुअली ये। इस अब ड्राइंग की ऐप को मैं कर रहा हूँ बंद, अब मेरी ड्राइंग की ऐप ये हो गई बंद,
अभी अभी गिटहब में पुश करूँगा भाई, मैं लिंक की तो बात ही नहीं है, ये पूरा मैं आया और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर लाके मैंने इस इमेज को यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है ना। ये वायर फ्रेम आपके पास आ गया, गिटहब में कोड पुश होगा, साथ में ये भी पुश हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा क्लास कोड, एंटर, और पुश हो गया कोड आपका, ठीक हो गया। अब हम ज़रा ये देख लेते हैं कि ये डेटा आपको मिलेगा कहाँ से, उसके लिए कोई हमें फ्री API चाहिए होगी। इसको क्या हो गया, बंद हो गया ये? अरे ये क्या हो रहा है, कभी ये वाला डिस्कनेक्ट हो रहा है, कभी वो वाला डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे लिखा फ्री वेदर APIs, अच्छा तो यहाँ पे किसी ने लिखा है भाई weatherapi.com, ये मेरे सामने कैसे फ्री API मुझे नज़र आ रही है। अच्छा, इस पर मुझे साइन अप करना है शायद, मोस्ट प्रॉब्ली मेरा अकाउंट इस पर बना हुआ होगा, हाँ बना हुआ है पहले से, मैंने लॉगिन कर लिया। अकाउंट बनाना है इस पर कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है जी। और हाँ अभी वो मैं बता रहा हूँ, इस पर पता नहीं क्या मुझसे ये एग्री करवा रहा है। यू विल नीड टू चेंज योर ऐप द यूज़ न्यू की, रीजनरेट द की, हाँ वो की एक्सपायर हो गई है मेरी। अच्छा ये मुझे इसने ना की बना के दे दी। अच्छा ये कॉपी का बटन आ रहा है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। हाँ नहीं नहीं कर सकते, असल में लिमिट होती है उसकी, वो 100 API कॉल के बाद ना वो आपको मना कर देता है, इसलिए हर बंदा अपना अपना अकाउंट अलग बनाएगा। उसके बाद मैं आ जाता हूँ इसके डॉक्यूमेंट्स में, ये मेरी एक फ्री वेदर की API है, किसी कंपनी ने बना के डाली हुई है। इसके मैं डॉक्यूमेंट्स अब देखना चाह रहा हूँ, मैं आया API एक्सप्लोरर। अच्छा ऐड भी इन्होंने लगाए हुए हैं माशाल्लाह, ऐड से भी कमा रहे हैं। अच्छा डॉक्स में जाना था ना मुझे। अच्छा देखो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले इन्होंने मुझे क्या बताया हुआ है, रियल टाइम वेदर। रियल टाइम वेदर का मतलब होता है अभी जो वेदर है ना वो मुझे मिलेगा। तो इंट्रोडक्शन में इन्होंने लिखा है कि हम ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, रियल टाइम वेदर, 14 डे का वेदर फॉरकास्ट, हिस्टोरिकल वेदर यानी पिछले 2 साल का डेटा, फ्यूचर वेदर यानी अगले 300 दिनों तक का फोरकास्ट प्रिडिक्शन, सही है। अच्छा उसके अलावा टाइम जोन, स्पोर्ट्स, लोकेशन डेटा और काफ़ी कुछ, वेदर अलर्ट्स, कहीं पर तूफान आने वाला है वो सब अलर्ट दे देते हैं कि भाई यहाँ पे ये होने वाला है। हाँ वो तो रियल टाइम जब डेटा आएगा सब आएगा ना उसमें, परसिपिटेशन भी आएगा, विंड भी आएगा, टेम्परेचर भी आएगा, मिनिमम मैक्सिमम रियल फील सब आएगा उसमें। अच्छा गेटिंग स्टार्टेड, हर डॉक्यूमेंट में गेटिंग स्टार्टेड का सेक्शन ज़रूर होता है, ठीक है ये याद रखना। गेटिंग स्टार्टेड में उन्होंने लिखा भाई साइन अप वाइनअप करो, ठीक है, और आप जो है ना फिर क्या करो, अपनी की कॉपी कर लो ऐसे करके। उसके बाद क्या करो, उसके बाद ये करो, ये है इनका URL, इस URL पे रिक्वेस्ट भेजनी है आपने। ये क्या है, एक सर्वर है, एक एड्रेस है, एक क्लाउड पे मौजूद एक कंप्यूटर है जिसका ये एड्रेस है, इसको आपने कॉल करना है। और इसको आपने कॉल कैसे करना है, ये बेस URL जो है ना ये लगाना है, और बेस URL के साथ आपने क्या लगाना है, जैसे मुझे करंट वेदर अगर गेट करना है तो करंट वेदर के लिए मैंने क्या लगाना है, मैंने लगाना है /current.json, ठीक है। तो ज़रा करते हैं इसको कॉपी। अच्छा अब ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ये API कॉल होती कैसे, इसके लिए लाइब्रेरीज मौजूद हैं, उसका मैं एक आपको लाइब्रेरी का लिंक बताता हूँ, ठीक हो गया। अब ये डॉक्यूमेंट पूरा आपने पढ़ना है, इसको एक्सप्लोर करना है और ये कैसे होता है। तो हमने अभी तक 2 पार्ट देखे हैं, नंबर 1 पार्ट हमने क्या देखा कि आप वो UI बना लें एटलीस्ट, वो एक पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट ये था कि उस UI के ऊपर इस इंटरनेट से, इस सर्वर से डेटा ला के उस पर डिस्प्ले करवाना है, नंबर 2 चीज़ हमने ये देखी। अच्छा तो ये API को कॉल करने के लिए मुझे, मैंने ये जिक्र किया, एक लाइब्रेरी चाहिए, वो लाइब्रेरी कौन सी है, एक्सियोस, ठीक है। और जैसे ही मैं गया एक्सियोस को
ठीक है, ये एक्सियोस वालों की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है exios-http.com। इस वेबसाइट के अंदर गया मैं, इस वेबसाइट के अंदर यहाँ पे इन्होंने क्या बताया हुआ है, एक अदद स्क्रिप्ट का टैग बताया हुआ है। ये स्क्रिप्ट का टैग हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, आप सब लोगों को पता है स्क्रिप्ट का टैग कैसे चलता है, ठीक है। ये स्क्रिप्ट का टैग आपने अपने कहाँ पे लगाना है, अपने HTML फाइल के ऊपर ये स्क्रिप्ट का टैग आपने लगाना है। और जैसे ही आप ये स्क्रिप्ट का टैग लगा लेंगे तो यहाँ पे जो जो फंक्शन इन्होंने बताए हुए हैं वो सारी चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट, ठीक है, मिनिमल एग्जाम्पल, ठीक है, आपने क्या करना है, ये इतना कोड यहाँ पे चलाना है, इतना कोड, ठीक है। ये कोड मैं आपको अलग से एक फाइल में लिख के भी दे देता हूँ। मैं यहाँ पे गया और मैंने कहा कि भाई टास्क डॉट HTML, मैंने टास्क डॉट HTML में जाके एक बेसिक HTML क्रिएट किया, सही है, ये मैंने बेसिक एक HTML क्रिएट कर दिया। अब इसमें मैं क्या करने जा रहा हूँ, वो लाइब्रेरी इसमें अटैच करने जा रहा हूँ और जो आपने रिक्वेस्ट करनी है वो भी मैं इसमें अटैच करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले लाइब्रेरी इसमें अटैच कर देते हैं, उठा के लाते हैं वहाँ से, स्क्रिप्ट को कॉपी करते हैं, ये है ना वो स्क्रिप्ट, कॉपी किया मैंने, यहाँ पे लाके स्क्रिप्ट को यहाँ पे अटैच कर दिया, सही है, समझ आया इतना। अच्छा, उसके बाद अगला काम मैंने क्या किया, फिर मेरी एक स्क्रिप्ट है, अब मेरी भी तो एक जावा स्क्रिप्ट है ना, सही है। अच्छा देखो, एक्सियोस का पहले ही मुझे सजेशन दे रहा है। वेल, मैंने क्या करना है, मैंने एक फंक्शन बनाना है गेट वेदर डेटा, सही है, ये एक फंक्शन है जो किसी बटन के क्लिक पे चलता होगा, कुछ ना कुछ होता होगा, सही है। यहाँ पे मैंने कहा गेट यूज़र सिटी नेम, सही है, मैंने जो भी टेक्स्ट बॉक्स में बंदे ने जो भी सिटी का नाम लिखा था वो मैंने इस लेवल पे क्या कर लिया, गेट कर लिया ऐसे करके, ठीक है। अभी ये एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं इसको रोक रहा हूँ क्योंकि ये एरर देगा फिर ना। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने ये जो गेट का जो कोड है यहाँ पे, ये जो लिखा हुआ है, ये कोड मैंने कॉल कर देना है यहाँ पे। ये एक लाइब्रेरी है, इंशाल्लाह बाद में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना जो समझ रहे हैं इतने को समझ रहे हैं मैं फिलहाल। अच्छा, अब जब हम कहते हैं ना exios.get, इसके अंदर मुझे क्या देना होता है, उस सर्वर का पूरा URL देना होता है जिस सर्वर को मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ, या जिस सर्वर से मैं बात करना चाह रहा हूँ, या जिस सर्वर से मैं वेदर का डेटा मंगवाना चाह रहा हूँ। अच्छा, डेटा सिर्फ वेदर का नहीं, और भी मुख्तलिफ तरह स्टॉक्स का डेटा होता है, ठीक है, बहुत सारे ईमेल भेजना है मुझे, कुछ इस तरह का करना है। अच्छा, तो मैं ज़रा जाता हूँ मेरे वेदर फ्री ओपन वेदर API जो था ना, इसका ये बेस URL में ला के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये बेस URL पेस्ट हो गया, अब स्लैश मुझे क्या चाहिए, करंट डेटा डॉट जेसन चाहिए ना, मैंने कहा करंट डेटा डॉट जेसन, ठीक है, स्लैश डबल हो गया, ये मैंने पूरा लगा दिया। अच्छा, ये करंट वेदर डॉट जेसन आ गया मेरे पास, अब आगे का कोड क्या है, इसमें मुझे API की भी प्रोवाइड करनी है, ठीक है, की यहाँ पे मैं आया, मैंने कहा क्वेश्चन मार्क की और इक्वल्स टू, जो मेरी की थी ना वो मैंने कॉपी की हुई थी कहीं पे, नहीं की हुई थी ना, वापस जाना पड़ेगा मुझे की के पास, माई अकाउंट, और ये की मैंने कॉपी कर ली, सही है, की इक्वल्स टू करके मैंने यहाँ पे की को पेस्ट कर दिया, की पेस्ट हो गई। अब यहाँ पे जो देन के अंदर ना मुझे क्या मिलेगा, इस नीचे वाले को उड़ा देता हूँ, यहाँ पे कॉन्सोल जब मैं कराऊंगा ना रिस्पॉन्स को, सॉरी रिस्पॉन्स डॉट डेटा को, रिस्पॉन्स डॉट डेटा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि रिस्पॉन्स ये एक ऑब्जेक्ट है जो मुझे सर्वर ने वापस भेजा है, वो क्या भेजा है मुझे, वो एक ऑब्जेक्ट भेजा है मुझे, और मैं उस ऑब्जेक्ट का डेटा प्रिंट करवा रहा हूँ, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। अब ये रिस्पॉन्स डॉट डेटा जब स्क्रीन पर प्रिंट होगा तो मुझे पता चल जाना चाहिए कि आया क्या मेरे पास सही वेदर डेटा, आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा, मुझे सिटी का नाम भी भेजना है इसको, अब सिटी का नाम मैं कैसे भेजूंगा, ठीक है, क्यू ऐसे करके मुझे भेजना होता है, क्यू यानी क्वेरी, और क्यू के अंदर मैं क्या भेजूंगा,
सिटी का नाम, मैंने यहाँ पे की लिखा था और की के बाद मैंने आखिर में आके एम्परसेंट लगाया, मैंने कहा क्यू इक्वल्स टू कराची, ठीक है। इस कराची की जगह पे कोई भी डेटा हो सकता है, कोई भी सिटी का नाम हो सकता है, आपकी मर्जी का। ये मैंने एपीआई कॉल पूरी तैयार कर दी आपके लिए। अब ये गेट वेदर डेटा को ना अभी तक मैंने कॉल नहीं किया, मैं यहाँ नीचे आके इसको क्या करवा देता हूँ, मैं इसको कॉल करवा देता हूँ। आपके केस में ये कॉल कब होगा, बटन के क्लिक पे कॉल होगा, मैंने अभी डायरेक्ट कॉल करवा दिया। अब इस फंक्शन के कॉल होने से क्या होना चाहिए, ये सर्वर हिट हो जाएगा, सर्वर से जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इस कोड को अब हम चला के देख लेते हैं। ठीक है, मैं कॉन्सोल पे जाऊँगा और कॉन्सोल पे जाके ये ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या आ चुका है, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट आ गया मेरे पास, जिसके अंदर क्या मौजूद है, रियल फील, फील्स लाइक जो इसको बोलते हैं, ठीक है, ह्यूमिडिटी मौजूद है और टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट दोनों मौजूद है, ठीक है, विजिबिलिटी इन किलोमीटर्स, विजिबिलिटी इन माइल्स, विंड का डायरेक्शन, विंड की डिग्री, विंड का डायरेक्शन किलोमीटर में, विंड का डायरेक्शन माइल में, दोनों में मौजूद है। यही कुछ चाहिए था ना हमें। अच्छा, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड बिल्कुल सही बता रहा है, अभी जो एक्चुअल है वही बता रहा है ये, ठीक है। ये बड़ा सारा ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या आ चुका है, आ चुका है यहाँ पे, जिसमें करंट है और लोकेशन, लोकेशन की डिटेल है, कंट्री क्या है, पाकिस्तान है, ठीक है, लोकल टाइम इस वक्त यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है भाई, ठीक है, नेम कराची है, रीजन सिंध है और टाइम जोन लगता है एशिया। सब कुछ आ गया, कोई चीज़ रह तो नहीं गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो कॉन्सोल पे जिस चीज़ को मैं कॉन्सोल करवा रहा हूँ, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आपके पास आया है, इस ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ पे प्रिंट करवाना है, स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। स्क्रीन पे कई दफ़ा हम प्रिंट करवा चुके हैं, वेरिएबल में मौजूद डेटा स्क्रीन में कई दफ़ा प्रिंट करवा चुके हैं। थोड़ा सा और समझने की आसानी के लिए मैं ये कह देता हूँ कि कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है, या डेटा इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट डेटा, और इस डेटा को मैं कॉन्सोल करा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, समझने के लिए कि डेटा एक वेरिएबल बन चुका है मेरे पास, राइट। अब ये जो ऑब्जेक्ट आपके पास आ चुका है, जो डेटा के नाम का एक वेरिएबल है जिसमें वो सेव है, इस ऑब्जेक्ट को आपने क्या करवाना है, स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। जी हाँ, वो तो डॉक्यूमेंट में इन्होंने लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ना डॉक्यूमेंट में इन्होंने बताया हुआ होगा कि भाई साहब ये तो है हमारा वो रिक्वेस्ट, अब जो रिस्पांस आएगा ना, रिस्पांस भी यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि रिस्पांस में क्या क्या आता है। देखो ये रिस्पांस में ना इसने बता दिया पहले कि इस तरह से आएगा, फिक्स है ये, यही था ना। रियल टाइम एपीआई के अंदर क्या है, लास्ट अपडेटेड, टेम्परेचर अंडर स्कोर सी, टेम्परेचर अंडर स्कोर एफ, फील्स लाइक, यही नेम आ रहे थे सारे। ये इन्होंने डॉक्यूमेंट में पहले से फिक्स किया हुआ है कि हमारे पास जो कीज़ भेजेंगे ना वो यही भेजेंगे हर दफ़ा, सही है, समझ आ रहा है तुम्हें, कीज़ देखो फिक्स किया हुआ है डॉक्यूमेंट में इन्होंने, ये हर दफ़ा यही की भेजते हैं और उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, वैल्यू चेंज होती है। जाहिर है टेम्परेचर जब 32 होगा तो फिर 32 आएगा, जब 28 होगा तो टेम्परेचर 28 आएगा, लेकिन की का नाम सेम रहेगा, ठीक है। तो अब मैंने आप लोगों को जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी इस वेदर ऐप को कंप्लीट करने के लिए वो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, हाँ ये हार्ड कोडेड मैंने लिखा है ना, आप नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, आपने जो ये सिटी का नाम गेट किया ना टेक्स्ट बॉक्स में से, आप यहाँ पे वो लिखोगे, ठीक है। अब वो कैसे लिखते हैं, वो स्ट्रिंग की क्लास में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, टेम्पलेट्स के जरिए भी कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह जब हम सर्वर पढ़ेंगे ना तो इसको हम डिटेल में समझेंगे कि ये चीज़ें हैं क्या, एक क्वेश्चन मार्क, ये एम परसेंट, ये है क्या। हाँ अभी आपने जस्ट ये मेरी की हटा के ना अपनी की लगानी है और कराची हटा के आपने सिटी का नाम अपना लगाना है। ये क्यू को और ये एम परसेंट को, ये इक्वल टू को छेड़ना नहीं है आपने, ठीक है। ये अभी हमने सर्वर नहीं पढ़ा, जब हम सर्वर पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो ये सारी चीज़ें हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या आपको टास्क दिया। नंबर एक, मैंने आपको ये बताया, एक स्क्रीन बनाकर दे दी आपको और ये स्क्रीन
तीन मुख्तलिफ डिवाइसेस पे रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। अब वो कैसे करते हैं वो आपका मसला है, ठीक है। ये मिनिमम वायर फ्रेम है, इसके अलावा आप इसमें कुछ भी डालना चाहें वो आपकी मर्जी है। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने यहाँ लिख दी है। अच्छा, ये पिक्चर देख रहे हैं आप, ये पिक्चर भी चेंज होनी चाहिए। जब क्लाउड हो ना, मोस्टली क्लाउडी, मिसाल के तौर पर अभी हेज है, ये हेज की इमेज है, ये पिक्चर भी चेंज होनी चाहिए। जब क्लाउडी लिखा हो तो क्लाउड की पिक्चर आए, जब सनी हो तो सनी की पिक्चर आए, जब हेज हो तो हेज की पिक्चर आए, जैसे अभी लगी हुई है यहाँ पर। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन मोस्टली वायर फ्रेम मिनिमम यही है, चीज़ें यही दिखानी है। थोड़ा अलग तरीके से भी दिखा दो, लेकिन ये नहीं कि सीधा सीधा बिल्कुल प्रिंट कर दिया, जैसी वेदर की ऐप्स होती हैं वैसा दिखाना, सही है। तो बाकी तीन मुख्तलिफ डिवाइसेस पे ना सही तरह से खुले ही, ऐसा ना हो कि स्क्रीन से मोबाइल पे खोलूँ तो स्क्रीन से आधा बाहर जा रहा है, ये नहीं चाहिए, ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। बाकी थोड़ा चेंज कर दो डिज़ाइन, कोई मसला नहीं है। एक इनपुट बॉक्स होना चाहिए, जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है वो डेटा डिस्प्ले होना चाहिए। बैकग्राउंड लगा दो, जो जो लगा सकते हो ना, जो जो आता है, जो जो ज़िंदगी में आज तक सीखा है सब अप्लाई कर दो इस पर। मिनिमम मैंने बता दिया, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, सही है। अच्छा, तो पहला पार्ट क्या है, ये फ्रेमवर्क, ये वायर फ्रेम जो मैंने आपको बना के दे दिया, तीन डिवाइसेस पर रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, मीडिया क्वेरी और फ्लैक्स बॉक्स के जरिए रिस्पॉन्सिव होगा, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नंबर दो, इसका डेटा कैसे मंगवाना है सर्वर से, उसका मैंने कोड आपको लिख कर दे दिया है कि इस तरह से ये क्या होता है, डेटा उठ के आता है सर्वर से, ठीक है। और डेटा जब उठ के आ जाता है तो आपने उसको स्क्रीन पे कहाँ और कैसे डिस्प्ले कराना है ये आप लोग जानते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई ऐसी चीज़ मुश्किल है इसके अंदर बनाने में। मुझे नहीं लगता कि अगर आप में से कोई भी बंदा 6-8 घंटे अगर इसको टाइम देता है रात को, सही है, जो जॉब वगैरह से आके खाना वाना खा के सो के फिर उठ के आप अगर 3-4 बजे बैठते हैं ना उठ के, और सुबह 9 बजे तक आप इस पर काम करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई ऐसी मुश्किल चीज़ है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी अगली क्लास में इस असाइनमेंट के साथ।